आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव। तो मटर पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, यहाँ है हमारे पास एक कटोरी डबल चाबी वाले चावल, मटर, मसाले में हमारे पास है जीरा, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, साबुत गरम मसाला, 8 से 10 काजू कटे हुए, 6-7 कलियां लहसुन की, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च और 2 प्याज। लहसुन और अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे और प्याज और हरी मिर्च को हम बारीक काट लेंगे। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को पानी से धो लेंगे। चावल को धोने के बाद उसमें पानी डालकर हम चावल को 20 मिनट के लिए रख देंगे। पुलाव बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप यहाँ पर तेल भी यूज कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले। एक चम्मच जीरा, अब डालेंगे इसमें काजू, प्याज, प्याज को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम डालेंगे मटर। मटर को हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें चावल। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। आधा चम्मच नमक। लो फ्लेम पर इसे ढककर रख देंगे 8 से 9 मिनट तक। चावल को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमारे चावल बनकर तैयार है। इसे हम ऊपर नीचे अच्छी तरह चला लेते हैं। अब डालेंगे इसमें हरा धनिया पत्ती। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे मटर पुलाव बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर बाद में हम इसे सर्व करेंगे।